नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलेगा तोहफा। बिहार के कई विश्वविद्यालयों ने नेक के मूल्यांकन से खुद को रखा पीछे। अब होगा मेट्रो का ट्रायल रन, डिपो में अगस्त से बिछेगा ट्रैक। पटना के 20,000 कोचिंग संस्थानों की होगी जांच। भारत करेगा T20 एशिया कप की मेजबानी। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलेगा तोहफा। बिहार में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था हर तरह से की जा रही है ताकि बिहार पुलिस स्मार्ट और बेहतर तरीके से कार्य को संचालित करे और विधि व्यवस्था को तंदुरुस्त करे। बता दें आपको, बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अब लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेगा। पूरे देश में 3 नए कानून लगने के बाद कानून व्यवस्था में फुर्ती लाने के लिए डिजिटल कामकाज पर ध्यान दिया जा रहा है। नए कानून के तहत तलाशी, गिरफ्तारी और बयान दर्ज करने तक में वीडियोग्राफिक का सहारा लिया जाएगा। इसी को देखते हुए बिहार में पुलिस को डिजिटल तौर पर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। गृह विभाग की तरफ से जुड़े प्रस्ताव को अंतिम रूपरेखा दी जा रही है। बिहार में अभी कुल 23,000 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। साल के अंत तक इनकी संख्या 25,000 हो जाएगी। वहीं DSP रैंक के सुपरविजन अधिकारी भी करीब 2,000 हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लैपटॉप स्मार्टफोन के लिए सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शुरुआत में 10,000 इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग ने निबंधित कामगारों के लिए लिया बड़ा फैसला। बिहार में 26 लाख निबंधित कामगारों को मिलेगी सहायता। इसके लिए तय हुआ समय। बता दें आपको, श्रम संसाधन विभाग ने सभी कामगारों के लिए समय सीमा तय की है। वहीं आदेश नहीं मानने वाले संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार भवन एवं सैन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव श्याम बिहारी मीणा की ओर से इस बाबत पर आदेश जारी किया गया है। इससे पहले कामगारों के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा तय नहीं थी। बिहार के विश्वविद्यालयों ने नेक के मूल्यांकन से खुद को रखा पीछे। बिहार में चल रहे कई ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों ने नहीं करवाए अब तक नेक का मूल्यांकन। कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने अभी तक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नेक के लिए आवेदन नहीं किया है। बता दें आपको, नेक द्वारा विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए कुछ मापदंड किए गए हैं। जैसे कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने अब तक नेक के लिए एक भी आवेदन नहीं किया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 1,00,000 छात्र नामांकन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय ने भी नेक के लिए आवेदन नहीं किया है। बीएड कॉलेजों को मिली एफिलिएशन हुई रद्द। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के फर्जी पत्र पर बीएड कॉलेज को मिली एफिलिएशन रद्द कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा माथुरम कॉलेज ऑफ एजुकेशन और बीएड और डीएलएड की दो दो इकाई की मान्यता आधार पर 15 मई को पत्र फर्जी निकला। इसके तहत यह एक्शन लिया गया है। यह मान्यता 30 दिनों में ही रद्द करने की सूचना जारी कर दी गई। राजगीर से पटना चलेगी नई पैसेंजर ट्रेन, जाने टाइमिंग। पैसेंजर ट्रेनों में बढ़ते भीड़ को देखते हुए राजगीर से पटना एक नई पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। बता दें, पूर्व मध्य रेलवे राजगीर से पटना के बीच एक जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलेगी। साथ ही पटना से क्यूएल के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का प्लान है। यह ट्रेन 30 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाए जाएंगे। राजगीर पटना फास्ट पैसेंजर स्पेशल राजगीर से 6:30 बजे खुलकर 10 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में यह पटना से 8:55 बजे खुलकर 11:55 बजे राजगीर पहुंचेगी। वहीं पटना कीउर फास्ट पैसेंजर ट्रेन पटना से 11 बजे खुलकर 2:45 बजे कीउर पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह कीउर से 3 बजे खुलकर 8:20 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।
नीट पेपर लीक में सीबीआई को मिली बड़ी कामयाबी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पेपर सॉल्वर रौनक राज को मुंबई से धर दबोचा है, जिसे आज पटना स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेपर लीक आरोपी रौनक को कोर्ट द्वारा 2 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से सीबीआई ने 5 मेडिकल छात्र समेत 6 आरोपियों को पकड़ चुकी है। पटना में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र देकर रटवाया गया था। अभी इस मामले को लेकर सीबीआई को शक है कि 150 छात्रों से अधिक को प्रश्न पत्र देकर रटवाया गया है, जिसकी जांच अभी जारी है। 3 नेशनल हाईवे पर आवागमन बाधित, कांवर यात्रा से लगा जाम। मुजफ्फरपुर, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर समेत अन्य जिलों में नेशनल हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम होगा। बिहार के श्रावणी मेले के दौरान कांवर यात्रा के लिए जिलों में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। सावन के महीने में कांवर यात्रा की वजह से आवागमन बाधित रहता है। NH-22 का एक लेन महुआ से मुजफ्फरपुर तक 3 दिन बंद रहता है। NH-922 का एक लेन बक्सर गोलंबर से ब्रह्मपुर तक 33 किलोमीटर हर हफ्ते रविवार शाम से सोमवार सुबह तक बंद किया जाता है। इसी तरह बेगूसराय में NH-31 पर सिमरिया से 0 माइल तकरीबन 5 किलोमीटर तक सोमवार को वन वे कर दिया जाता है। बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह के लिए जीत का संदेश। बिहार की जमुई के विधायक बेटी और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी साथी अर्जुन अवार्ड से नवाजी गई श्रेयसी सिंह अब पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वैश्विक मंच पर निशाना साधने जा रही है, जिसको लेकर जिले के अलग अलग खेल के गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने श्रेयसी सिंह के नाम जीत का संदेश भेजा है। वहीं पहली बार कोई महिला खिलाड़ी शॉटगन ट्रैप इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधने जा रही है। वहीं श्रेयसी सिंह ने बताया कि बिहार में शूटिंग की सुविधा ना होने की वजह से उन्हें दिल्ली प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। जल्द मिलेगा आवास का तोहफा। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बीते 2 वर्षों से लाभुकों को नहीं मिला है। इस क्रम में राज्य भर में लगभग 13 लाख लोग आवास की राह देख रहे हैं। वहीं अब जल्द 50,000 की संख्या में आवास निर्माण होगा, इसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने दी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग ने निर्माण की हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि 2.5 लाख आवास लक्ष्य पार करने की स्वीकृति मिली है। 2.5 लाख के अलावा शेष आवास का निर्माण राज्य के योजना पर करवाने पर विचार किया जाएगा। बिजली बिल से परेशान, 1.31 करोड़ का आया बिल। बिहार के भागलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बिजली उपभोक्ता के घर आया करोड़ों का बिल जगदेशपुर प्रखंड के योगी वीर में मान्या ट्रेड्स के संचालक ने साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड भागलपुर के क्षेत्र के अधिकारियों को दिए गए आवेदन में यह शिकायत दर्ज कराई है। उपभोक्ता का कहना है कि 26 जून को पुराना मीटर बदल कर 28 जून को नया स्मार्ट मीटर लगाया, जिसके बाद 10,000 बिजली के इस्तेमाल पर 1.31 करोड़ का बिल आया है। हालांकि रेवेन्यू ऑफिसर ने 10 अगस्त तक बिल में सुधार का भरोसा दिया है। जन सुराज से चुनाव का नेतृत्व करेंगे यह समाज। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने वाले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अक्टूबर माह में अपने पार्टी का गठन करेंगे। 2 अक्टूबर को जन सुराज को औपचारिक रूप से सियासी दल में बदलेंगे, लेकिन इससे पहले जो पार्टी में जुड़ना चाहते हैं वो अपने शैक्षणिक योग्यता दिखाना पड़ेगा उन्हें। वहीं अब जन सुराज जब दल बनेगा तो इसके पहले नेतृत्व का अवसर दलित समाज को मिलेगा, उसके बाद अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। वहीं नेतृत्व को चुनने के लिए 7 संसदीय चुनाव समिति की घोषणा की गई है। इसमें समस्तीपुर से डॉक्टर भूपेंद्र यादव, बेगूसराय से आरएन सिंह, गोपालगंज से सुरेश शर्मा, सिवान से गणेश राम, पूर्वी चंपारण से डॉक्टर मंजर नसीर, भोजपुर से अरविंद सिंह और मुजफ्फरपुर से स्वर्णमलता सहनी शामिल हैं।
पटना के 20,000 कोचिंग संस्थानों की होगी जांच। दिल्ली के कोचिंग कांड के बाद पटना के कोचिंग संस्थानों में जांच अभियान शुरू। दिल्ली कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र छात्राओं की मौत के बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा पटना के 20,000 कोचिंग संस्थानों का जांच करने का सख्त आदेश दिया गया है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की है। कोचिंग संस्थान की जांच मंगलवार यानी आज से शुरू हो गई है। आदेश जारी होने से सभी कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। अब होगा मेट्रो का ट्रायल रन, डिपो में अगस्त से बिछेगा ट्रैक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में होगा मेट्रो का ट्रायल रन। बता दें आपको, मेट्रो के एलिवेटेड प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कम से कम मेट्रो का ट्रायल रन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा मेट्रो की समीक्षा करने के बाद कार्य में तेजी आई है। जानकारी के लिए बता दें आपको, न्यू ISBT स्थित पटना मेट्रो के डिपो में बैलिस्टिक ट्रैक बिछाने का काम अगले माह से शुरू होगा। बता दें 6.5 किलोमीटर एलिवेटेड मेट्रो लाइन पर दौड़ेगी मेट्रो। बिहार में बीजेपी की जबरदस्त तैयारी, सांसदों का हुआ पद बंटवारा। बिहार के पश्चिमी चंपारण सीट से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को भाजपा के मुख्य सचेतक के पद पर नियुक्त किया गया है, जिसके तहत इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 16 सांसदों को सचेतक के तौर पर नियुक्त किया गया है। भाजपा के जिन सांसदों को सचेतक नियुक्त किया गया है उनके नाम है दिलीप सालकिया, गोपाल जी ठाकुर, संतोष पांडे, कमलजीत सहरावत, धवल लक्ष्मण भाई पटेल, जुगल किशोर शर्मा, सुधीर गुप्ता, अनंत नायक, दामोदर अग्रवाल, सतीश कुमार गौतम, शशांक मणि, खगेन मुर्मू है। वहीं संजय जायसवाल 4थी बार सांसद चुने गए हैं। भारत करेगा T20 एशिया कप की मेजबानी। T20 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी भारत करेगा। यह ठीक 2026 में देश में होने वाली T20 विश्व कप से पहले है। एशिया कप को हमेशा वैश्विक आयोजन की तैयारियों के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसी प्रारूप में खेला जाता है जिसमें विश्व कप आयोजित किया जाएगा। वहीं एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुतों लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं लाल बाबू, नरेंद्र कुमार, विनीत चौहान, MD शाकिर हुसैन, पूजा राठौर, बाबूलाल, वेद प्रकाश, संजय गिरी, राधेकांत। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अक्सर भोजपुरी गानों में परोसे जा रहे अश्लीलता को लेकर आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।